इंडिया एक ऐसा देश जहां पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कि लोग इंडियन एनिमेशन को डिसलाइक करते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल परफेक्ट एनिमेटर अड्डू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वरना बहुत सारे वीडियोस इंक्लूडिंग द एनिमेशन इंडस्ट्री मिस करते रहेंगे। सो लेट्स गो। नंबर वन, कंटेंट। हमारे कार्टून्स में ना कैरेक्टर्स लड्डू समोसा खाते हैं जिससे उनको पावर मिलती है, जबकि ड्रैगन बॉल जी में कड़ी मेहनत के साथ कुछ पाया जाता है। यही लोगों को एक प्लस पॉइंट लगता है जब वो एनिमे और इंडियन कार्टून्स को कंपेयर करते हैं। टू, एनिमेशन क्वालिटी। ये बात तो हम सबको पता है कि एनिमे की क्वालिटी इंडियन कार्टून से बेटर है, और दोस्तों मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ कि एनिमे की क्वालिटी इंडियन एनिमेशन से बढ़िया है, क्योंकि मैंने भी वन पंच मैन देखा है एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज और सही में इट वॉज अमेजिंग। तो दोस्तों यह है साइतामा की बिल्डिंग वन पंच मैन के एनिमे के अंदर। आप देख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह इतना अच्छा लगा है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये। थर्ड, द स्टोरी। आपने ड्रैगन बॉल जी देखा है तो आपको उसका स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको छोटा भीम की स्टोरी टेरेबल लग रही होगी। जितनी आपकी स्टोरी अच्छी होगी उतना ही वो लोगों को पसंद आएगी। ड्रैगन बॉल जी एक स्टोरी लाइन बेस्ड एनिमे है, मतलब कि वो एक पर्पस से उसको बनाया गया है। उसका पर्पस है ड्रैगन बॉल्स ढूंढना। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, और छोटा भीम इज नॉट अ स्टोरी लाइन बेस्ड कार्टून, क्योंकि वो कभी एंड ही नहीं होने वाला है। ठीक है, और यही लोगों को मतलब छोटा भीम में हर वक्त एक नया थीम होता है जिसकी वजह से वो कभी एंड ही नहीं होने वाला है, और ड्रैगन बॉल जो एक दमदार स्टोरी, इसलिए पीपल लव इट। और दोस्तों मैंने छोटा भीम के रिव्यूज़ पे रिप्लाई भी किया है, आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने वो मेरे चैनल में आप आसानी से ढूंढ लोगे, और डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।